रामपुर के रोशना ओपी क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत में शुक्रवार की रात एक विधवा महिला से दुष्कर्म के 25 वर्षीय आरोपी युवक की जमकर पिटाई की गई। बताया जाता है कि गौरीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 के शाहनगर आदिवासी टोला में रहने वाली एक महिला ने पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के बेताल गाँव के रहने वाले एक युवक पर जबरदस्ती मुंह में कपड़ा बांधकर मारपीट और खेत में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। हम तो खिचड़ी खाते थे ना, ले गया, कोई घर में नहीं था, उठा के ले गया मकई खेत, कपड़ा घुसा दिया मुख में, आँख सब मार दिया। क्या लेके गया था? हम तो पहचानते नहीं, हम तो क्या सब किया आपके साथ मकई खेत में? दुष्कर्म की जानकारी जैसे ही परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों को मिली, उनकी भीड़ जुट गई, जिसके बाद आरोपी युवक की जमकर पिटाई हुई, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं दुष्कर्म के आरोपी युवक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार ले गए, जहां युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेज दिया गया, जहां युवक की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। मौके पर घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ अमरकांत झा, पुलिस इंस्पेक्टर रंजन कुमार सिंह सहित पुलिस अधिकारियों की एक दल शाहनगर आदिवासी टोला पहुंची और पीड़ित महिला व उनके परिजनों से घटना की गहन पूछताछ की गई तथा पश्चिम बंगाल के बेताल गांव पहुंचकर जख्मी युवक के परिजनों से भी घटना के बारे में जानकारी ली गई। इस संबंध में एसडीपीओ अमरकांत झा और एसडीएम शंकर शरण ओमी ने बताया कि युवक को मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में शाहनगर आदिवासी टोला को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दो समुदाय के मामले को देखते हुए किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, इसको लेकर शाहनगर आदिवासी टोला में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। गौरीपुर पंचायत में एक महिला को जैसा आरोप है, महिला आरोप लगाई है, जो उसको बगल के बंगाल के एक गांव है, वहां के एक लड़का था, वह ठूस करके मक्के खेत ले जा रहा था रेप करने के लिए। उसी टाइम हल्ला की और हल्ला की तो उसी टाइम उसको लोग पकड़ लिया, पकड़ के उसको काफ़ी मारपीट किया है, जो वर्तमान में पूर्णिया हॉस्पिटल में है और ठीक ठाक है। इस संबंध में महिला के बयान पर भी और जो इंजोर्ड है पूर्णिया में, दोनों के बयान पर हम लोग अलग अलग प्राथमिकी दर्ज किए हैं। ये जो अभी यहाँ जो घटना बताए डीएसपी साहब, इस संबंध में जो है धार्मिक रूप से किसी तरह का माहौल बिगड़े नहीं, क्योंकि जो है दूसरे मुस्लिम धर्म से और एक जो है आदिवासी महिला है, तो उसके लिए हम लोग दंडाधिकारी और केस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर रहे हैं, जो सतत निगरानी रखेंगे घटनाओं पर, किसी प्रकार की जो है अप्रिय घटना नहीं हो। और स्थिति अभी जो है किसी कंट्रोल में है और किसी प्रकार की तनाव की स्थिति नहीं। धनंजय यादव, प्राणपुर, कटिहार।